नमस्ते, इंग्लिश के लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल की थी। इस लेक्चर में हम पहले पार्ट ऑफ स्पीच को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, यानी हम नाउन्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने नाउन्स की परिभाषा देखी थी और हमने कुछ उदाहरण देखे थे, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के प्रकार। तो स्क्रीन पे आपको जो चित्र दिख रहा है उसके हिसाब से नाउन के 5 प्रकार हैं: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। तो चलिए इन प्रकारों के बारे में ध्यान से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन नाउन के बारे में पढ़ते हैं। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अभी स्क्रीन पे आपको एक वाक्य दिख रहा है, गोपाल इज एन ऑनेस्ट बॉय, यानी गोपाल एक ईमानदार लड़का है। इसमें मैंने बॉय शब्द को हाईलाइट किया है, क्यों दिखते हैं आगे। अब दूसरा वाक्य, फ्लफी माय नेबर्स डॉग वैग्ड हिज टेल, यानी फ्लफी जो मेरे पड़ोसी का कुत्ता है उसने अपनी पूंछ हिलाई। यहाँ पे टेल यानी पूंछ और नेबर यानी पड़ोसी। और तीसरे वाक्य में लिखा है, राहुल द्रविड़ इज अ वेरी हम्बल पर्सन, यानी राहुल द्रविड़ काफी नम्र इंसान है। यहाँ पे हम्बल यानी नम्र और पर्सन यानी इंसान। तो पहले वाक्य में बॉय, दूसरे में डॉग और तीसरे में पर्सन, इन तीनों शब्दों को मैंने हाईलाइट किया है, क्यों? आप शायद समझ गए होंगे कि ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब कॉमन यानी आम, तो जातिवाचक संज्ञा यानी आम संज्ञा, तो यानी मैं कह रहा हूं कि बॉय, डॉग और पर्सन आम संज्ञाएं हैं। ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं। पहले वाक्य में लिखा है, गोपाल इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब गोपाल शब्द किसी विशेष व्यक्ति का बोध करता है, लेकिन बॉय शब्द किसी विशेष व्यक्ति का बोध नहीं करता। बॉय काफी आम शब्द है, बॉय यानी लड़का, तो गोपाल भी लड़का है, अनिल भी लड़का है, अंकित भी लड़का है। वैसे ही दूसरे वाक्य में फ्लफी एक विशेष कुत्ते का बोध करता है, लेकिन डॉग काफी आम शब्द है, तो फ्लफी भी डॉग है, वैसे ही ब्रूनो भी डॉग है। और वैसे ही तीसरे वाक्य में पर्सन यानी इंसान काफी आम शब्द है, राहुल द्रविड़ इंसान है, सचिन तेंदुलकर इंसान है, मैं इंसान हूँ, आप इंसान है। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जातिवाचक संज्ञाएं यानी आम संज्ञाएं, तो कौन से शब्द जातिवाचक संज्ञा के कैटेगरी में मिलेंगे, ये आप शायद अब समझ पाएंगे। तो चलिए अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। यहाँ लिखा है, इंडिया इज माय कंट्री, यानी भारत मेरा देश है। तो यहाँ वापस कंट्री यानी देश काफी आम शब्द है, इंडिया भी कंट्री है, बांग्लादेश भी कंट्री है, अमेरिका भी कंट्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, देयर इज अ वेरी फेमस बुक टाइटल ट्रेजर आइलैंड, यानी एक काफी मशहूर बुक है जिसका नाम है ट्रेजर आइलैंड। तो अब यहाँ वापस बुक यानी किताब एक आम शब्द है, बहुत सारी किताबें होती है, महाभारत एक किताब है, रामायण भी एक किताब है। और वैसे ही तारे जमीन पर इज अ वेरी पॉपुलर मूवी, यानी तारे जमीन पर काफी प्रचलित मूवी है, मूवी यानी फिल्म, या हिंदी में कहूं तो चलचित्र। तो यहाँ मूवी भी एक काफी आम शब्द है, कितनी सारी पिक्चरें या मूवीज देखते हैं आप, तारे जमीन पर देख लो, चक दे इंडिया देख लो, वगैरह वगैरह। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन क्या होता है, लेकिन चलिए अब हम कॉमन नाउन की परिभाषा देखते हैं। तो कॉमन नाउन वह नाम जो एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं को समान रूप से दिया जाता है। तो चलिए अब थोड़े और उदाहरण देख लेते हैं कॉमन नाउन के। तो बिल्डिंग्स यानी इमारतें, यह भी एक आम शब्द है। एलिफेंट यानी हाथी, यह भी एक आम शब्द है। एनिमल्स यानी जानवर, यह भी एक कॉमन नाउन है। अब आप शायद पूछोगे कि एलिफेंट तो एक विशेष जानवर है, तो हमने उसको क्यों कॉमन नाउन कहा है? इसलिए क्योंकि एलिफेंट्स भी बहुत सारे होते हैं,
एलिफेंट का अगर कुछ नाम हो, किसी एक एलिफेंट का, जैसे अगर मेरे पास एक हाथी है और मैंने उसका नाम रख दिया मोती, तो जब मैं मोती कहूंगा तो मैं एक विशेष एलिफेंट की तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो इसीलिए मोती एक कॉमन नाउन नहीं होगा, लेकिन एलिफेंट एक कॉमन नाउन होगा। और आखिरी उदाहरण, स्कूल यानी विद्यालय। यहां भी आप बोल सकते हैं कि स्कूल एक इमारत का विशेष रूप है, लेकिन स्कूल्स भी बहुत सारे होते हैं। तो अगर मैं स्कूल का नाम लूं तो वो नाम कॉमन नाउन नहीं होगा, लेकिन स्कूल एक कॉमन नाउन है। तो चलिए अब नाउन के दूसरे प्रकार के बारे में जानते हैं, जो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो अब हम वापस वही तीन उदाहरण देखेंगे जो हमने पहले देखे थे, लेकिन यहाँ पे फर्क यह है कि पहले मैंने बॉय, डॉग और पर्सन को हाईलाइट किया था, लेकिन यहाँ पे गोपाल, फ्लफी और राहुल द्राविड़ को हाईलाइट किया है। क्यों? क्योंकि गोपाल एक विशेष व्यक्ति का नाम है, फ्लफी एक विशेष कुत्ते का नाम है, राहुल द्राविड़ एक विशेष व्यक्ति का नाम है। तो अब आपको शायद व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में फर्क समझ में आ गया होगा। वैसे ही यहाँ पे इंडिया एक विशेष देश का नाम है, ट्रेजर आइलैंड एक विशेष किताब का नाम है, और तारे जमीन पर एक विशेष मूवी का नाम है। तो अब चलिए अब हम प्रॉपर नाउन की परिभाषा देखते हैं। तो वह नाम जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दिया जाता है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, यह एक विशेष कवि है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, यह एक विशेष इमारत है। मुंबई, यह एक विशेष शहर का नाम है। और पार्ले जी, यह एक विशेष बिस्किट का नाम है। तो शायद अब आपको प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में सामूहिक संज्ञा कहा जाता है, या समूहवाचक संज्ञा। यहाँ आपको बाई तरफ जो चित्र दिख रहा है उसे हम अंग्रेजी में कहेंगे बर्ड यानी पक्षी, और दाएं तरफ जो दिख रहा है उसे हम कहेंगे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों का झुंड। तो फ्लॉक एक ऐसा शब्द है जिससे हमें पता चलता है कि एक साथ बहुत सारे पक्षी है, यानी फ्लॉक समूह का बोध कर रहा है, इसीलिए फ्लॉक एक समूहवाचक संज्ञा है। वैसे ही नीचे लेफ्ट साइड में जो चित्र है उसे मैं कहूंगा सोल्जर यानी सैनिक, और राइट साइड में जो चित्र है उसे मैं कहूंगा आर्मी ऑफ सोल्जर्स यानी सैनिकों की सेना। तो आर्मी वापस एक ऐसा शब्द है जिससे समूह का बोध होता है, तो इसीलिए उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो चलिए अब समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब है किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह को दिए जाने वाला नाम। तो चलिए अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण, फैमिली यानी परिवार। इससे एक लोगों के समूह का बोध होता है, तो इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे ही पार्टी ऑफ फ्रेंड्स यानी दोस्तों का समूह। तो पार्टी एक ऐसा शब्द है जिससे वापस लोगों के एक समूह का बोध होता है, तो वापस यह भी एक समूहवाचक संज्ञा है। या क्राउड यानी भीड़, यह भी एक समूहवाचक संज्ञा है। बैंड ऑफ म्यूजिशियंस यानी संगीतकारों का बैंड, यहाँ बैंड से भी हमें पता चल रहा है कि एक साथ बहुत सारे संगीतकार हैं, तो यह भी एक समूहवाचक संज्ञा है। तो अब शायद आपको समूहवाचक संज्ञा के बारे में पता चल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है, और मटेरियल नाउन का अर्थ है किसी भी पदार्थ का नाम। तो चलिए अब कुछ उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण है कॉटन या रुई। कॉटन से हम कुछ चीजें बना सकते हैं जैसे कपड़े वगैरह, तो कॉटन एक पदार्थ हुआ, इसीलिए वह मटेरियल नाउन है। वैसे ही आयन यानी लोहा, इससे भी हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं जैसे सिक्के, टेबल वगैरह। वैसे ही गोल्ड यानी सोना, इससे हम जेवरात बनाते हैं, तो यह भी एक पदार्थ हुआ, इसे मटेरियल नाउन कहते हैं। वैसे ही वुड यानी लकड़ी,
लकड़ी से तो लोगों के घर बन जाते हैं, तो यह भी एक पदार्थ हुआ। और प्लास्टिक, आजकल की बहुत सारी चीजें प्लास्टिक से ही बनती है, तो यह भी एक पदार्थ हुआ, और इसीलिए प्लास्टिक भी एक मटेरियल नाउन है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नाउन का आखिरी प्रकार, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो आपको स्क्रीन पे तीन चित्र दिख रहे हैं। पहले चित्र में जो लड़का है वो काफी गुस्से में है, तो उससे क्रोध या एंगर का भाव प्रकट होता है। दूसरे चित्र के स्माइली से हैप्पीनेस या आनंद का भाव प्रकट होता है। और तीसरे चित्र में जो इंसान है वो काफी जोर जोर से हंस रहा है, तो उससे लाफ्टर या हंसी का भाव प्रकट होता है। तो एंगर, हैप्पीनेस, लाफ्टर, ये सब ऐसे शब्द है जिनसे कोई भाव प्रकट हो, और इसीलिए इन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो याद रखिए कि भाववाचक संज्ञा को हम कभी छू या देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा का अर्थ है किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द। तो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन और इंटरजेक्शन के बीच कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक शब्द, जिनके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, वे ऐसे शब्द हैं जिससे किसी भाव को व्यक्त किया जाता है। तो अगर मैं बोलता हूँ हुर्रे, तो उसे खुशी का भाव व्यक्त होता है, लेकिन खुशी एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि खुशी एक ऐसा शब्द है जिससे किसी भाव का बोध होता है। तो चलिए अब हम भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण है पेन यानी दर्द, जो हम महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। दूसरा उदाहरण है म्यूजिक यानी संगीत, उसे भी हम सुन सकते हैं लेकिन देख या छू नहीं सकते। तीसरा उदाहरण है ग्रोथ यानी विकास, तो वो भी एक ऐसी चीज है जो हम महसूस करते हैं। और चौथा उदाहरण है चाइल्डहुड यानी बचपन, यह एक दशा है, इसलिए यह भी एक भाववाचक संज्ञा है। चलिए अब हम देखते हैं हाउ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फॉर्म्ड यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैसे बनते हैं। तो थोड़े शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनते हैं, जैसे चाइल्ड यानी बच्चा, उससे मुझे एक भाववाचक संज्ञा मिलती है चाइल्डहुड यानी बचपन, जो एक दशा है। वैसे ही आर्टिस्ट यानी कलाकार, उससे मुझे एक भाववाचक संज्ञा मिलती है आर्टिस्ट्री यानी कलाकारिता। वैसे ही थोड़े शब्द क्रिया से बनते हैं, जैसे ग्रोथ यानी विकास, वो शब्द आता है ग्रो से, जो जिसका अर्थ होता है बढ़ना। वैसे ही लाफ्टर यानी हंसी, वो शब्द आता है लाफ से, जिसका अर्थ होता है हंसना। और थोड़े शब्द बनते हैं विशेषणों से यानी एडजेक्टिव से, जैसे ब्यूटी यानी सुंदरता, वो शब्द आता है ब्यूटीफुल से, जिसका अर्थ होता है सुंदर। वैसे ही काइंडनेस यानी दयालुता, वो शब्द आता है काइंड से, जिसका अर्थ होता है दयालु। तो ब्यूटीफुल और काइंड यानी सुंदर और दयालु, ये शब्द हम किसी का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गए एडजेक्टिव्स, लेकिन सुंदरता और दयालुता ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो अब हमने नाउन के सब प्रकार तो देख लिए, अब चलिए आज थोड़ी विविध बातें करते हैं। आज हम वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे यानी स्वर और व्यंजन के बारे में। तो इंग्लिश के जो 26 लेटर्स हैं, उसमें से ए, ई, आई, ओ और यू, इन्हें वॉवेल्स कहा जाता है, या हिंदी में कहूँ तो स्वर कहा जाता है। और बाकी के सभी लेटर्स को कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन कहा जाता है। और एक स्पेशल केस है वाई, जो कभी कभी वॉवेल होता है और कभी कभी कॉन्सोनेंट। तो ऐसी क्या बात है ए ई आई ओ यू में कि उन्हें वॉवेल कहा गया है? तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि शब्द में उस अक्षर का साउंड कैसा है, यानी वो अक्षर कैसे सुनाई देता है शब्द में। तो अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे जो कुछ दिनों बाद हम पढ़ने वाले हैं, तब हम इस पे ज्यादा चर्चा करेंगे।
अभी के लिए इतनी जानकारी काफी है कि AEIOU को वॉवेल्स कहा जाता है और बाकी सब अक्षरों को कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। तो अब हम लेक्चर के अंत तक पहुंच गए हैं और जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ लेक्चरों के अंत में एक ऑप्शनल टेस्ट रखी जाएगी जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपको स्क्रीन पे 8 वाक्य दिख रहे हैं और हर वाक्य पे एक शब्द रेखांकित है। तो आपको उस रेखांकित शब्द के संज्ञा का प्रकार बताना है। तो पहला वाक्य है, अंकित गॉट अ न्यू कार टुडे, यानी अंकित ने आज एक नई गाड़ी खरीदी। फिर देर आर वेरी फ्यू बर्ड्स लेफ्ट इन द सिटी, यानी शहर में बहुत कम पक्षी बचे हैं। यहाँ सिटी यानी शहर। द ऑर्नामेंट्स वर मेड फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर, यानी जेवरात सोने और चांदी से बने थे। गोल्ड यानी सोना। द बॉय सेट ऑन द वुडन बेंच, यानी वो लड़का लकड़ी की बेंच पे बैठा। द पुलिस कुड नॉट कंट्रोल द क्राउड, यानी पुलिस भीड़ को काबू में नहीं ला पाई। रचना इज अ स्मार्ट गर्ल, यानी रचना एक होशियार लड़की है। हैप्पीनेस इज अ मैटर ऑफ चॉइस, यानी खुशी अपनी पसंद की बात है। हैप्पीनेस यानी खुशी। इंग्लिश इज अ वेरी इजी लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी बहुत आसान भाषा है। आज के लेक्चर में हमने जो आपसे प्रश्न पूछे थे, उसके जवाब आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।